देश के विपक्षी नेता मोदी सरकार के खिलाफ देश विदेश में घूम घूम कर ये कहते रहते हैं कि भारत का लोकतंत्र खतरे में है, लेकिन यही नेता पश्चिम बंगाल पर चुप्पी साध लेते हैं। राहुल गांधी विदेशों में भारत के महान लोकतंत्र पर सवाल उठा रहे हैं, वहीं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री पूरे देश में हल्ला करती रहती हैं कि देश में लोकतंत्र खतरे में है। लेकिन एक कहावत है ना कि जब हम दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो चार उंगलियां हमारी खुद की तरफ उठती हैं। जिस तरह से ममता बनर्जी के उपद्रवी तत्वों को पोसा है, जिस तरह ममता दीदी अपने पार्टी के हिंसक कार्यकर्ताओं को बचाने पहुंच जाती हैं, उससे ये बात तो साफ पता चलती है कि हर दल ने हिंसक तत्वों को संरक्षण दिया है, जिसका परिणाम रक्त रंजित होते चुनाव है, जिसके बाद से ममता बनर्जी भाजपा के घेरे पर है। बंगाल में चुनावी हिंसा में कई लोगों की मौत हो गई, वहीं चुनावी नतीजों के दिन भी बंगाल में भारी विवाद देखा गया। बंगाल में ऐसी स्थिति को देखते हुए बीजेपी नेता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ममता बनर्जी पर बड़ा आरोप लगाया है। इसके साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की मोहब्बत की दुकान की पोल भी खोल दी। संबित पात्रा ने सवाल उठाया कि बंगाल हिंसा पर राहुल गांधी और विपक्ष के तमाम बड़े नेता चुप क्यों हैं। संबित पात्रा ने कहा कि बंगाल में लोकतंत्र दम तोड़ने लगा है, हमने ऐसी हिंसा पहले कभी नहीं देखी। संबित पात्रा ने कहा कि राज्य में पंचायत चुनाव के नामांकन शुरू होने से लेकर अब तक करीब 45 लोगों की मौत हो गई है, ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। जिस भूमि से कभी वंदे मातरम के शब्द उपजे थे, आज उसी भूमि पर जिस प्रकार की हिंसा हो रही है वो अपने आप में अप्रत्याशित है। इससे पहले इस प्रकार की हिंसा न हमने कभी सुनी थी और न देखी थी। चुनाव और हिंसा आज बंगाल में एक दूसरे के पर्याय बन चुके हैं। उन्होंने कहा, पश्चिम बंगाल में 2018 पंचायत चुनावों के दौरान मरने वालों की संख्या 23 थी। राज्य में 2013 के पंचायत चुनाव के दौरान मरने वालों की संख्या 15 हो गई। सचमुच पश्चिम बंगाल में लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सेंट्रल फोर्सेस होने के बावजूद बंगाल में 45 लोगों की हत्या ये दिखाती है कि प्रदेश सरकार किस तरह प्रायोजित तरीके से इन हत्याओं को अंजाम दे रही है। ये जितने लोग मारे गए हैं वो प्रायोजित हैं। इसमें पुलिस प्रशासन से लेकर जिला अधिकारी तक सम्मिलित हैं। शांतिपूर्ण और उचित चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए केंद्रीय बलों को पश्चिम बंगाल भेजा गया था, लेकिन राज्य सरकार द्वारा इन बलों को उचित तरीके से तैनात नहीं किया गया। संवेदनशील बूथों की संख्या की जानकारी छिपाई गई, साथ ही संवेदनशील बूथों के बारे में कोई भी डाटा उपलब्ध नहीं कराया गया। अगर यही दृश्य किसी भाजपा शासित राज्य से रहा होता तो हाहाकार मच गया होता। ये सारे नेता जो हाथ पकड़ पकड़ कर राज्यों में खड़े होते हैं, कहाँ ये सारे नेता हैं? कहाँ है लालू प्रसाद यादव, कहाँ है नीतीश कुमार और कहाँ है मोहब्बत की दुकान खोलने वाले राहुल गांधी? तो देखा आपने कैसे बीजेपी ने विपक्ष की पोल खोल दी। अगर किसी बीजेपी शासित राज्य में हिंसा हुई होती तो राहुल गांधी अब तक वहां पहुंच गए होते और मोहब्बत की दुकान खोलने की बातें करने लगते। लेकिन पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार नहीं है, इसीलिए राहुल गांधी चुप हैं। ऐसे में आप समझ ही सकते हैं कि राहुल गांधी की दुकान कैसी है। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।